झालावाड़ में कोरोना संक्रमण कहर ढा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न कंट्रोल रूम बनाकर नागरिकों को लगातार सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नागरिकों को तत्पर सेवा देने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम वहां के कार्मिकों द्वारा महखाना बना दिया गया है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब खानपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत लाइफल के राजीव गांधी भवन में स्थापित कोरोना कंट्रोल रूम कक्ष में ड्यूटी दे रहे दो कार्मिक शराब के जाम छलकाते नजर आए और इनकी इस शर्मनाक हरकत की तस्वीरें भी मोबाइल कैमरे में कैद होकर बाहर आ गई। कोरोना नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी दे रहे कनिष्ठ लिपिक दिनेश मालव और सुरक्षा गार्ड गोवर्धन सिंह हाड़ा ड्यूटी समय में शराब के जाम छलकाते मिले। इस दौरान सरकारी भवन में शराब की बोतलें और नशे में धुत कार्मिकों की आपसी बातचीत को स्थानीय सरपंच अर्जुन सुमन ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात इन मर्यादाहीन कार्मिकों को सरपंच की मौजूदगी का भी भय दिखाई नहीं दिया। हालांकि तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है और अधिकारियों द्वारा कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है।